नमस्कार दोस्तों, तो इनकम टैक्स की पाठशाला में आपका स्वागत है। इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं कैनन ऑफ टैक्सेशन। तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट मैं आपको 5 मिनट में एक्सप्लेन कर दूंगा, एंड लाइक दिस आई विल बी अपलोडिंग एवरीडे स्मॉल वीडियोस, सो विच विल डेफिनेटली हेल्प यू। तो आगे बढ़ते विदाउट वेस्टिंग टाइम एंड लेट अस डिस्कस व्हाट इज कैनन ऑफ टैक्सेशन। जैसे आप स्क्रीन पे दिख रहे हैं, यहाँ पे 4 कैनन ऑफ टैक्सेशन है, ठीक है ना। बेसिकली व्हाट इज मीनिंग ऑफ कैनन ऑफ टैक्सेशन, तो ये इसको अपन पहले अंडरलाइन करते हैं। कैनन ऑफ टैक्सेशन का मतलब है एडमिनिस्ट्रेटिव एस्पेक्ट ऑफ टैक्स। व्हाट इज मीनिंग ऑफ कैनन ऑफ टैक्सेशन, इट्स एडमिनिस्ट्रेटिव एस्पेक्ट ऑफ टैक्स। तो आज मैं फटाफट 2 मिनट में ये 4 पॉइंट का आपको मतलब बताने वाला हूँ कि इसका मतलब क्या है। तो इसमें 4 कैनन है। पहला है कैनन ऑफ इक्विटी, दूसरा है कैनन ऑफ सर्टेनिटी, तीसरा है कैनन ऑफ कन्वीनियंस, एंड चौथा है कैनन ऑफ इकोनॉमी। देखते हैं वन बाय वन। पहला क्या है, कैनन ऑफ इक्विटी। नाउ व्हाट इज मीनिंग ऑफ कैनन ऑफ इक्विटी, इस इक्विटी का मतलब यहाँ पे फेयर। इन सिंपल वर्ड्स, अगर आप इनकम ज़्यादा अर्न करेंगे तो आपको ज़्यादा टैक्स देना है। सो डिपेंडिंग अपॉन योर इनकम यू विल पे टैक्स, किसी को ओवर बर्डन नहीं किया जाएगा। सो उसको बोलते कैनन ऑफ इक्विटी। सोशल जस्टिस सबको दिया जाएगा, जितना पैसा कमाओगे आपको उसी के हिसाब से टैक्स देना पड़ेगा, ना आपसे कम पैसा लिया जाएगा ना आपसे ज़्यादा पैसा लिया जाएगा। देखो, दिस कैनन इंप्लाइज दैट एनी टैक्स सिस्टम शुड बी बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ सोशल जस्टिस। इक्विटी रिफर्स टू बोथ हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल इक्विटी। नाउ व्हाट इज हॉरिजेंटल इक्विटी, हॉरिजेंटल इक्विटी डिस्क्राइब द कॉन्सेप्ट दैट टैक्सर विद इक्वल एबिलिटी शुड पे सेम अमाउंट ऑफ टैक्स। मतलब मिस्टर ए एंड मिस्टर बी, ध्यान देना, ए एंड बी दोनों का इनकम सेम है तो दोनों को सेम टैक्स देना है, उसको बोलते हैं कैनन ऑफ इक्विटी। वर्टिकल इक्विटी मीन्स टैक्सपेयर विद ग्रेटर एबिलिटी शुड पे मोर टैक्स। सो हॉरिजॉन्टल इक्विटी का मतलब क्या है कि जिनका अगर इनकम सेम है तो सेम टैक्स। नाउ व्हाट इज वर्टिकल इक्विटी, अगर आपका इनकम बढ़ेगा तो नेचुरली योर टैक्स लेवल विल ऑल्सो ग्रो अप, ठीक है। तो ये था दोस्तों कैनन ऑफ इक्विटी। दूसरा है कैनन ऑफ सर्टेनिटी, करेक्ट ना, ओके। सो देखो, अभी सर्टेनिटी का मतलब क्या है कि मैं टैक्स पेयर हूँ, आप भी टैक्स पेयर हो, आपने को पता होना चाहिए कि गवर्नमेंट को टैक्स कब देना है। ऐसा ना हो कि एक दिन घर पे बैठे चाय पी रहे, गवर्नमेंट लोग आ गए, दरवाजा खटखटाया, बोले टैक्स दो, वैसा नहीं होना चाहिए। सो देयर शुड बी क्लैरिटी अमंग एसएससी के टैक्स कब देना है, उसके कैलकुलेशंस कैसे होंगे, एवरीथिंग मस्ट बी क्रिस्टल एंड क्लियर। तो वो दिया है, देखो, द टैक्स रूल शुड बी क्लियरली स्पेसिफाइड व्हेन टैक्स इज टू बी पेड, हाउ इट इज टू बी पेड एंड हाउ द अमाउंट इज पेड टू बी डिटरमाइन। देखो, वेन मतलब कब पे करना है और कितना पे करना है। ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस कैनन टू क्रिएट ट्रस्ट बिटवीन टू पार्टीज, फर्स्ट पार्टी इज अ टैक्स पेयर, आप और मैं, द सेकेंड पार्टी इज द अथॉरिटी टू हु रिसीव द टैक्स, गवर्नमेंट। तो इन दोनों में क्लैरिटी चाहिए। तो इन सिंपल वर्ड्स ये बोलना चाह रहे हैं कि टैक्स की ड्यू डेट फिक्स होने चाहिए ताकि उसके पहले वो आपको परेशान ना करे, एंड आप भी उस ड्यू डेट के पहले भर देंगे तो आप भी आराम से रह सकते हैं। सो दिस इज सेकेंड कैनन, विच इज कॉल्ड एज अ कैनन ऑफ सर्टेनिटी। तीसरा कैनन ऑफ कन्वीनियंस। नाउ व्हाट इज मीनिंग ऑफ कन्वीनियंस, कन्वीनियंस का मतलब है कंप्लायंस एकदम सिंपल होना चाहिए। अगर हमको कोई भी चीज़ करना है तो वी ऑलवेज लुक फॉर कम्फर्ट। तो अगर पेमेंट करने में कन्वीनियंस नहीं होगा, सिस्टम बराबर नहीं होगा, तो लोग क्या करेंगे, जाने दो पे ही नहीं करना है, ये सिस्टम बहुत परेशान करता है। तो आपका सिस्टम बहुत अच्छा होना चाहिए, तो उसको बोलते हैं कैनन ऑफ कन्वीनियंस। एंड अभी तो बहुत ईजी हो गया, आपको पता है सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है, तो टैक्स पेमेंट पूरा जीएसटी हो या डायरेक्ट टैक्स, हर एक पेमेंट क्या हुआ है ऑनलाइन हो चुका है। तो अभी ये इसलिए टैक्स का रेवेन्यू बहुत बढ़ रहा है, उसका रीज़न क्या है कि नाउ पीपल आर ऑल्सो रेडी टू पे, एंड सिस्टम काफ़ी ईजी हो गया है ऑनलाइन की वजह से, सब लोगों को ईजी होगा टैक्स पे करना। तो वही दिया है, अ टैक्स शुड बी ड्यू एट अ टाइम और इन द मैनर दैट इज मोस्ट लाइकली टू कन्वीन फॉर द टैक्स पेयर। देखो, कन्वीनियंस इन पेइंग टैक्स हेल्प टू इंश्योर टैक्स कंप्लायंस, कन्वीनियंस बोला है। द अप्रोप्रिएट पेमेंट मैकेनिज्म डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ लायबिलिटी एंड हाउ इजी और डिफिकल्ट टू कलेक्ट। फोकस किस पे किया, देखो फोकस ही टैक्स पे करने का सिस्टम ईजी होना चाहिए, पैसा कलेक्ट कैसे किया जाएगा, पे कैसे किया जाएगा, वो भी इजी होना चाहिए। एंड लास्ट कैनन ऑफ इकोनॉमी। नाउ व्हाट इज कैनन ऑफ इकोनॉमी, ट्राई टू अंडरस्टैंड गवर्नमेंट टैक्स कलेक्ट क्यों कर रही है। सोचो आप लोग, व्हाई गवर्नमेंट इज कलेक्टिंग टैक्स, है ना, टू रन द इकोनॉमी।
बराबर कि नहीं, देश चलाने के लिए पैसा चाहिए फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर, सिक्योरिटी, स्कूल, कॉलेजेस, एक्सप्रेस हाईवे. सो गवर्नमेंट नीड लॉट ऑफ मनी एंड द टैक्स इज अ सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर द गवर्नमेंट. तो वो कलेक्ट करेंगे गवर्नमेंट आपसे एंड बाद में उस प्रोजेक्ट पे खर्च करेंगे. लेकिन उनका अगर कलेक्शन कॉस्ट ज़्यादा हो गया, उनका अगर एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप बहुत बड़ा हो गया, तो अपन लोग जिस पर्पज़ के लिए टैक्स पे कर रहे फॉर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी, वो पर्पज सर्व नहीं होगा. बराबर कि नहीं? इसलिए ये कैनन बोलता है कि आप जो टैक्स कलेक्ट कर रहे हो उसका कलेक्शन कॉस्ट बहुत कम होना चाहिए. तो दोस्तों चार पॉइंट फटाफट रिवाइज करते हैं, की पॉइंट बताऊंगा. बोलो कैनन ऑफ इक्विटी का मतलब क्या है? हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल इक्विटी. व्हाट इज हॉरिजॉन्टल इक्विटी? सेम इनकम सेम टैक्स. व्हाट इज वर्टिकल इक्विटी? फटाफट जिसका इनकम ज़्यादा रहेगा वो ज़्यादा टैक्स देगा. दूसरा, कैनन ऑफ सर्टिटी में क्या लर्न करना है? मेरे को टैक्स कब पे करना है, कब कलेक्ट करना है, ये क्लैरिटी होना चाहिए. तीसरा, कन्वीनियंस का मतलब क्या है? पेमेंट सिस्टम शुड बी ईजी. अगर वो कॉम्प्लिकेटेड है तो लोग भी बोलेंगे हम पे नहीं करेंगे, जाने दो, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है. एंड लास्ट, इकोनॉमी का मतलब क्या है? इकोनॉमी का मतलब कि व्हाट इज मीनिंग ऑफ इकोनॉमी? यस, गवर्नमेंट का जो कलेक्शन कॉस्ट है वो क्या होना चाहिए? मिनिमम होना चाहिए. एंड ऑनलाइन की वजह से हुआ है. ठीक है, तो दोस्तों ये था कैनन ऑफ इक्विटी. एंड अगर आपका मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल. एवरी डे आई विल बी अपलोडिंग लेक्चर्स फॉर यू. सो इफ यू लाइक इट यू कैन डेफिनेटली सब्सक्राइब एंड इन्फॉर्म योर फ्रेंड ऑल्सो. थैंक यू सो मच.